हेलो बीजी माई लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, जैक क्लास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। और गाइज यहाँ पे मुझे हर वीडियो के अंदर एक दो बंदे तो कमेंट करके पूछते ही हैं कि हम लोगों ने कुछ भी हैक नहीं किया, फिर भी हम लोगों की आईडी को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताऊंगी कि आप लोग यहाँ पे अपनी आईडी को अनबैन कैसे करवा सकते हो। एज वेल एज गाइज यहाँ पे हम लोगों की डिवाइस बैन भी स्टार्ट हुआ है। तो बहुत से बंदों के यहाँ पे डिवाइसेस भी बैन हुए हैं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया फिर भी। तो गाइज वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि आप लोग कैसे करोगे। तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों को तभी हेल्पफुल होगा अगर आप लोगों ने किसी भी टाइप का हैक नहीं किया होगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे हैक यूज़ करते थे उसके बाद आप लोगों की आईडी बैन हुई थी, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि गाइज हैक करने वालों की आईडी अनबैन नहीं हो सकती। और गाइज अभी मैं ये सब आप लोगों को BGMI का बता रही हूँ, अगर आप लोगों की BGMI आईडी बैन हुई हो तो, और अगर आप लोगों की PUBG मोबाइल की आईडी बैन हुई हो तो आप लोग मेरी 1 मिनट मोनिका चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर गाइज यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो मैं आप लोगों को एक सही वे भी बताऊंगी कि PUBG आईडी अगर आपकी बैन हुई हो तो उसको आप लोग अनबैन कैसे कर सकते हो। तो गाइज सबसे पहले अगर आप लोगों की आईडी बैन हुई होगी तो आप लोगों की स्किन के ऊपर यहाँ पे वही लोडिंग लॉगिन वाली स्किन होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी आईडी को लॉग आउट कर देती हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने मेरी आईडी को लॉग आउट कर दिया है। अब गाइज सबसे पहले आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जब आपकी आईडी बैन होगी तो ये वाला आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को राइट साइड में यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सबसे फर्स्ट नंबर पे। तो हेल्प के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। और गाइज यहाँ पे हेल्प पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो तो आप लोगों को ऊपर सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सर्च के ऊपर गाइज आप लोगों को क्लिक करके यहाँ पे सिंपली लिखना है बैन। जैसे ही आप लोग यहाँ पे बैन लिखते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा स्लाइड करने पे सेकंड नंबर पे वाई वॉज माई अकाउंट बैन करके देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही इसके अंदर आप लोग आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल देखने को मिलेगी। और गाइज यहाँ पे आप लोगों को बात करने का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा मैसेज टाइप का। तो उसी मैसेज के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को देखना है अकाउंट बैन इश्यू, ठीक है। आप लोगों का अकाउंट बैन हुआ है उस इश्यू में आप लोगों को बात करनी है तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा अनबैन अकाउंट, ठीक है। तो अनबैन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग अनबैन अकाउंट पे क्लिक करते हो तो गाइज इनकी तरफ से आप लोगों को एक मेल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल के अंदर गाइज आप लोगों को यहाँ पे इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे फर्स्ट पे वेबसाइट है, सेकेंड पे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम है। तो गाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों को वेबसाइट पे ही जाना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे www.battlegroundmobileindia.com वेबसाइट देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर ही आप लोगों को जाना है। अब यहाँ से आप लोग मत जाओ, सिंपली आप लोग गूगल क्रोम के अंदर सर्च करना। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको गूगल क्रोम के अंदर ले चलती हूँ और आप लोगों को अच्छे से प्रोसेस करके बताती हूँ। तो चलो गाइज यहाँ पे हम लोग गूगल क्रोम के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपली सर्च कर लेना है www.battlegroundmobileindia.com। आप लोगों को इतना लिखते ही देखो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसके ऊपर आप लोग सिंपली क्लिक कर लो। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही गाइज आप लोगों को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की वेबसाइट देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। अब इसके अंदर आप लोगों को राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिला है, 3 लाइन, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सपोर्ट के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। नेक्स्ट गाइज आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सर्च बार में भी आप लोगों को यहाँ पे बैन लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे बैन लिखते हो तो आप लोगों को बैन से रिलेटेड थोड़े से आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड करके बता देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देखो लिखा है वाई वॉज माई अकाउंट बैन, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली वाई वॉज माई अकाउंट बैन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अब इसके ऊपर जैसे ही गाइज आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे भी एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। अब गाइज आर्टिकल को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड कर लो, उसके बाद नीचे यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है, तो आप लोगों को कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करना है। और जैसे ही गाइज आप लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है फर्स्ट नंबर पे। तो सिंपली मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देती हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट प्लेटफॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिलेक्ट प्लेटफॉर्म पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को एंड्रॉइड सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोगों की एंड्रॉइड डिवाइस हुई है बैन तो आप लोग एंड्रॉइड सिलेक्ट कर लो, और अगर आप लोगों की यहाँ पे iOS बैन हुई है तो आप लोग iOS सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों को इश्यू देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट मैनेजमेंट क्लिक कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ही अकाउंट मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग सिंपली क्लिक करो। फिर इश्यू टाइप के अंदर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करो जिसमें अनबैन रिक्वेस्ट देखने को मिलेगी, तो अनबैन रिक्वेस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट आप लोगों को इनको यहाँ पे प्रॉब्लम बतानी है कि आप लोगों को कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, मतलब किस प्रॉब्लम की वजह से आपका अकाउंट यहाँ पे बैन हुआ है। तो गाइज यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोगों ने किसी भी टाइप का हैक नहीं किया तो मैंने पहले से ही यहाँ पे थोड़ा सा लिख के रखा है, जिसमें मैंने आईडी के अकॉर्डिंग भी लिखा है और डिवाइस बैन के अकॉर्डिंग भी लिखा है। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो मैं यहाँ पे कॉपी करके आ रही हूँ, ठीक है, आप लोग रुकना एक मिनट। तो चलो गाइज यहाँ पे मैं जो लिख के रखा था मैंने वो मैं यहाँ पे कॉपी करके आ चुकी हूँ। तो इसके अंदर गाइज यहाँ पे आप लोग देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है हेलो क्राफ्टोन, ठीक है, माई BGMI आईडी एंड डिवाइस वॉज बैन। अगर आप लोगों की सिर्फ आईडी बैन हुई है तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ माई BGMI आईडी वॉज बैन रखना, और डिवाइस भी बैन हुई है तो आप लोग सेम लाइन यहाँ पे रख सकते हो। सेकंड पे मैंने यहाँ पे लिखा है आई कांट डू एनी टाइप ऑफ हैक देन व्हाई वॉज माई आईडी गॉट बैन। मैंने यहाँ पे किसी भी टाइप का हैक नहीं किया फिर मेरी आईडी यहाँ पे बैन क्यों हुई है। अगर आप लोगों की डिवाइस भी हो तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ पे मैंने आईडी लिखा है वहाँ पे आप लोग आईडी एंड माई डिवाइस गॉट बैन लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड लाइन में मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू क्राफ्टोन टीम, प्लीज़ वंस चेक माई आईडी एज वेल एज माई गेम प्ले, इफ आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ चीट देन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू क्राफ्टोन टीम, प्लीज़ अनबैन माई अकाउंट एज वेल एज माई डिवाइस। तो मैंने यहाँ पे इनको बोला है कि आप लोग पहले मेरी आईडी चेक करो, आप लोग मेरा गेम प्ले चेक करो कि मैंने चीट किया है कि नहीं, और अगर आप लोगों को लगे कि मैंने इसके अंदर किसी भी टाइप का चीट नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरी यहाँ पे आईडी को भी अनबैन करो और मेरी डिवाइस को भी यहाँ पे अनबैन करो, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये मैंने जितनी भी लाइन लिखी है वो सारी लाइनें अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं आपको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दे दूँगी, ठीक है। और आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे इतना ही नहीं है, उसके बाद आप लोगों को सिंपली थैंक यू लिख देना है और एक छोटा सा हार्ट भी दे देना, इनको थोड़ा अच्छा लगे, है ना। नेक्स्ट गाइज आप लोगों को आईडी नंबर और आईडी नेम लिखना है। अब आईडी नंबर में आप लोगों को अपनी कैरेक्टर आईडी डाल देनी है, जो नंबर वाली आती है ना 1234 वाली आईडी, कैरेक्टर आईडी, वो आप लोगों को अपने प्रोफाइल में मिल जाएगी। और आप लोगों को आईडी नाम डाल देना है, जो आप लोग अपना नाम रखते हो A2B4 फलाना ढिमकाना, जो आप लोगों का आईडी नाम हो वो दोनों का आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अटैच फाइल यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे डाल ही देना। आप लोगों को सिंपली चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप लोगों को इनको वो वाला स्क्रीनशॉट देना है जो गाइज आप लोगों को यहाँ पे जब बैन हुआ था तब आया था, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बैन नहीं हुआ फिर भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है, जो कि इनके अंदर मुझे डिवाइस बैन का ऑप्शन देखने को मिला था, तो उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। आप लोग भी उसको उस स्क्रीनशॉट को डालना जो आप लोगों का यहाँ पे बैन लिखा हुआ आया है, ठीक है। भले आपकी आईडी बैन का हो या डिवाइस बैन का हो, उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल देती हूँ, जो कि YNP6K है, मॉल में है YNP6K, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे देखो मेरा सबमिट हो चुका है और मुझे थैंक यू फॉर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल चुका है। तो गाइज आप लोगों को सेम मेरे जैसे स्टेप फॉलो करनी है। आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम क्या है वो मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, तो मैं इस अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम लिख के दे दूंगी, जिसको आप लोग अपनी प्रॉब्लम के अंदर डाल देना, ठीक है। और गाइज यहाँ पे सेम आप लोग मेरे जैसे स्टेप फॉलो करोगे तो कम से कम 2 दिन, ठीक है, 48 आवर्स के अंदर आप लोगों के पास रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। और गाइज अगर आप लोगों ने यहाँ पे हैक नहीं किया होगा या किसी भी टाइप का चीट आप लोगों ने नहीं किया होगा तो आप लोगों की आईडी ज़रूर से यहाँ पे अनबैन हो जाएगी। तो चलिए यही स्टेप थी जो मुझे आप लोगों को इस वीडियो में बताने थे। गाइज चलिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।